बड़ी खबर इस समय की जम्मू से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। सबसे पहले तो जम्मू पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को सल्यूट जो है वो करना ना भूलिएगा। लगभग 1,65,000 नकदी रकम के साथ 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जनाब, जो कि इस समय की जम्मू के शन्नी से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू पुलिस द्वारा 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लगभग 1,65,000 के करीब जो नकदी कैश है वो जो है बरामद कर लिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है वो जो है पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताने चले कि जम्मू शहर के शन्नी इलाके में जो है वो एक मकान से 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि ये 17 के 17 लोग जो है वो इस मकान में जुआ यहां पर खेल रहे थे। लेकिन ऐसे में जैसे ही जम्मू जिले की जो शन्नी पुलिस है वो मौके पर उस मकान में पहुंची तो ऐसे में ये 17 लोग वहां पर जो है वो पाए गए हैं और जिन्हें फिलहाल पुलिस ने वहां से जो है वो गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 1,65,000 रुपए जो है वो नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन आपको बताने चले कि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि इलाके में जो है वो एक ठिकाने पर यहाँ पर जो है वो जुआ चल रहा है और यहाँ पर जुआ जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें कई सारे जम्मू शहर के नौजवानों को इस जुए के खेल में जो है वो लुभाने का काम किया जा रहा है और उनके पैसे बर्बाद करवाए जा रहे हैं, उसे जो है वो डुबाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सल्यूट करना होगा शन्नी थाने के थानेदार और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये कहे कि एक बहुत ही बड़े जुए के खेल का भंडाफोड़ करा है और उसमें 17 लोग एक मकान के अंदर से जो है गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आपको बताने चले कि छापे के दौरान पुलिस ने जुआरियों को जो है गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फिलहाल इस समय जो है वो थाने में लाया गया है। लेकिन जांच के दौरान ये पता चला है कि इस मकान में कई दिनों से ये जो है वो जुआ खेला जा रहा था। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही शन्नी पुलिस को मिली है तो शन्नी पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है वो इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार कितनी देर से जो है वो इस मकान के अंदर ये जुए का खेल जो है वो चल रहा था। लेकिन ऐसे में ये 1,65,000 के करीब जो नकदी कैश है वो पुलिस ने इनसे बरामद कर लिया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है कि आखिरकार कितनी देर से ये लोग जम्मू में रहकर यहाँ पर ऐसा काम कर रहे थे, कितने लोग और इनके साथ जुड़े हैं और कौन वो मकान मालिक है जिसकी ये कहे कि जो चंद पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा काम यहाँ पर करवा रहा था। और ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप किसी को किराए पर रखते हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपने अगर किसी को किराए पर कमरा दिया है तो उस किराए के कमरे में क्या चल रहा है, वो किराए का पर जो उसने कमरा लिया है उसका इस्तेमाल जो है वो कौन जो है वो किस तरीके से कर रहा है। तो हो सके तो जनाब जितना जल्दी हो सके तो उस अपने किराएदार की वेरिफिकेशन जो है वो नजदीकी पुलिस चौकी में या फिर नजदीकी पुलिस थाने में करवा लीजिएगा। जब इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो बाद में मुश्किलें जो है वो आप लोगों की बढ़ सकती है। फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से कि जम्मू के शन्नी इलाके में जो है वो एक जुए के खेल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक मकान के अंदर से 17 के करीब लोगों को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके पास से 1,65,000 के करीब जो नकदी कैश है वो जो है वो बरामद कर लिया गया है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि ऐसे जुआरियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।